हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। माय चैनल नेम इज़ बबीता विश्वकर्मा। तो आज मैं आप लोगों के लिए सिर्फ 40 मिनट बनने वाली एकदम यम्मी थाली लेकर आई हूँ, जो आप सभी लोगों को पसंद आएगी। तो आप देख सकते हो कितना यम्मी थाली बन के रेडी हो चुका है। बनाना बहुत ज़्यादा आसान है, बहुत ही कम चीज़ में झटपट बनने वाली थाली है। तो चलिए फिर जानते हैं कि इस थाली को बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें लगने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर तो सबसे पहले यहाँ पे लेना है राइस बनाने के लिए। तो यहाँ पे मैंने ले लिया बासमती राइस। आप कोई भी राइस खाते होंगे तो वो ले सकते हो। तो यहाँ पे मैंने बासमती राइस लिया। अब इसे अच्छे से क्या करेंगे, हम धो लेंगे। ये एक कटोरी राइस है, तो चलिए 3 से 4 पानी में धो लेते हैं इसे हम। तो यहाँ पे अच्छे से मैंने 3 से 4 पानी में धो लिया राइस को। अब इसे हम 10 मिनट के लिए साइड में रख देंगे। तो यहाँ पे लेंगे, अब आटे की तैयारी करेंगे रोटी बनाने के लिए। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है गेहूं का आटा। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1/2 चम्मच नमक। तो अच्छे से जो है आटे को मिक्स करके, और आटे को अच्छे से जैसे हम रोटियाँ बनाने के लिए गूंथते हैं वैसे उसी हिसाब से हम पानी डाल के अच्छे से आटे को गूंथ लेंगे। तो यहाँ पे जो है आटे को अच्छे से गूंथ लिया। आप देख सकते हो एकदम सॉफ्ट सा आटा बन के हमारा रेडी हो गया है गूंथ के। तो चलिए फिर यहाँ पे मैंने तावा चढ़ा दिया है गैस पे। तावे को अच्छे से गर्म होने देंगे, और जो चावल हमने भिगो के रखे थे 10 मिनट के लिए, अब इसे भी हम गैस पे चढ़ा देंगे। मतलब एक साइड हमारा राइस भी होगा और एक साइड जो है हमारा रोटी भी बनेगा। तो चलिए फिर गैस ऑन कर देते हैं, और दोनों चीज़ हम एक साथ कर सकते हैं। तो चलिए गैस ऑन कर दिया चावल को पकने के लिए। अब इसके अंदर हम डालेंगे 1/2 चम्मच नमक। अब इसे अच्छे से पकने देंगे। तो यहाँ पे जो है आटे की मैंने लोई ले ली है और एक पेड़ा बना दिया। अब इसे अच्छे से हम सूखे आटे में कर डिप करके अब इसकी गोल सी रोटी हम बना के रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पे गोल सी रोटी बन के रेडी हो चुकी है। तो अब चलिए इसे अच्छे से सेक लेते हैं। तावा भी अच्छे से गर्म हो चुका है। अब रोटी इसके तावे के ऊपर डाल देंगे। तो आप देख सकते हैं ऊपर से बबल्स आ गया। तो हम क्या करेंगे, पलटे की सहायता से इसे पलट देंगे। तो आप देख सकते हो इस तरीके से हमें सब रोटियां सेकनी हैं, रोटियां बनानी हैं। अगर अचानक आपके घर में मेहमान आ जाते हैं तो आप इस तरीके से फटाफट खाना बना सकते हैं। बहुत ही झटपट बनने वाली थाली है और दिखने में भी बहुत खूबसूरत। और यहाँ पे एक साइड हमारा जो है चावल पक रहा है, अभी तक उबाल नहीं आया है। फिर भी हम एक बार चम्मच से चला के देखेंगे। और हमेशा भी बासमती राइस पकाते हो तो कांटे वाली चम्मच का इस्तेमाल कीजिए, जिससे राइस एकदम खिला खिला और टूटता भी नहीं है। तो चलिए अभी एक साइड हमारी रोटी को भी देख लेते हैं हम। तो पलट के देखते हैं पीछे साइड का हुआ है कि नहीं। तो चलिए इसे हाथों के द्वारा हम अच्छे से साइड में इसे कर लेंगे, दबा देंगे। जो कच्चा है वो भी पक जाएगा, बिल्कुल भी कच्चा नहीं रहेगा साइड साइड में। तो चलिए तो अभी अच्छे से पक चुका है। अब मैं अच्छे से चम्मच से दबा के अब इसे पलट कर अच्छे से कपड़े से जो है साफ़ कपड़े से इसे हम रोटी को घुमा घुमा के सेकेंगे। अगर आप कपड़े से इस तरह से नहीं घुमाना चाहते हो तो आप डायरेक्ट चूल्हे पे रख के भी सेक सकते हो, जैसे आपकी मर्जी, आपको जैसा पसंद हो रोटी बनाना। तो आप देख सकते हो कितना अच्छे से ये रोटी फूक रहा है। इसी तरीके से हमें हल्के हाथों से कपड़ों से इस रोटी को सेकना है। तो यहाँ पे हमारी जो रोटी है एकदम मस्त फुली फुली रेडी हो चुकी है। तो चलिए इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं हम। वाओ, तो इस तरीके से सारी रोटी बना लेंगे। और यहाँ पे जो है चावल में अच्छे से उबाल आ चुका है, तो गैस का फ्लेम जो है हम एकदम मीडियम पे कर देंगे और चावल को अच्छे से पकने देंगे। जब अच्छे से चावल का पानी सूख जाएगा तो हम इसे दम पे रखेंगे चावल को। तो चलिए फिर, तो यहाँ पे चावल भी जो हमने दम पे रख दिया था, चावल भी यहाँ पे हमारा पककर हो चुका है। और यहाँ पे मैंने सारी रोटियाँ जो है बना ली है, तो आप देख सकते हो। तो चलिए फिर चिकन की तैयारी करते हैं। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है लंबे प्याज, अच्छे से कट कर लिए हैं। और अब इसके अंदर मैंने जो है मिक्सर के अंदर अदरक और लहसुन का पेस्ट घर बना लिया अच्छे से, आप देख सकते हो। ज़्यादा पानी का बिल्कुल भी ऐड नहीं करना, और प्याज भी अच्छे से कट कर लिया है चिकन के लिए। तो चलिए फिर अब थोड़े मसाले की तैयारियां कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम डालेंगे प्याज, तो ये तड़के के लिए भी आधा हो जाएगा और आधा जो है हम मसाले में भी पीसने के लिए ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले जो है तेल ऐड किया था कुकर में, और उसके बाद तेज़पत्ता डाल के मैंने प्याज डाल दिया। और अच्छे से इसे अब हम भूनेंगे जब तक ये प्याज का कलर जो है गोल्डन ना हो जाए। तो चलिए तब तक थोड़ा मसाले की तैयारियां कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो मैंने प्याज तो पहले ले लिया था, और अब इसके अंदर हम डालेंगे कुछ सूखे मसाले। तो यहाँ पे मैंने डालूँगी अखे
धनिया जो गरम मसाला है वो डालूंगी। तो यहाँ पे मैंने 2 चम्मच जो है धनिया लिया है। तो अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे और भी कुछ मसाले। तो सबसे पहले यहाँ पे लूँगी मैं ये गरम मसाला। तो ये मैंने खुद घर में पीसा है ये चिकन। तो अगर इस मसाले के बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं इसका अलग से वीडियो आप लोगों को बना के बताऊँगी। तो यहाँ पे जो है मैंने 1 चम्मच जो है बड़े चम्मच से मैंने यहाँ पे गरम मसाला ले लिया। अब मैं लूँगी यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर। तो यहाँ ये तीखी वाली लाल मिर्च पाउडर है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे जो मैं 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर ले लूँगी और आधा चम्मच जो है मैं यहाँ पे आधे चम्मच से भी कम मैं यहाँ पे हल्दी लूँगी। तो आप देख सकते हो ये जितने मैंने सूखे मसाले लिए हैं बस इसी मसालों में हमें ये बनाना है चिकन। तो चलिए अच्छे से पीस लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से पीस लिया है, थोड़ा ही पानी का मैंने ऐड करके पीसा और आप देख सकते हो अच्छे से ये मसाला बन के रेडी हो गया है। और यहाँ पे जो हमारी प्याज भी अच्छे से गोल्डन हो चुकी है। तो चलिए फिर अभी अच्छे से अब गोल्डन हो गया तो अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे चिकन। तो चिकन आप देख सकते हो अच्छे से मैंने धोकर साफ़ कर लिया। अब ये सारे चिकन जो है ये 1 kg है चिकन। तो चलिए ऐड कर लेते हैं इसके अंदर। तो आज मैं आप लोगों को कुकर में बनाना बता रही हूँ कि बहुत ही झटपट बन जाएगा। कुकर में बहुत ही झटपट बन भी जाता है और बहुत कम मसाले लगते हैं और बिल्कुल टाइम नहीं लगता है। तो आप देख सकते हो सारे चिकन जो है मैं ऐड कर दूंगी और अच्छे से इसे भूनूंगी। जब तक भूनूंगी जब तक चिकन में अच्छे से कलर ना आ जाए और जो उसका पानी जो चिकन छोड़ता है ना वो सूख ना जाए। तो इतना हमें चिकन को भुनना है और गैस का फ्लेम जो हमें मीडियम ही रखना है और ढक्कन रख के ही हमें इन्हें भुनना है। आप देख सकते हो इस तरीके से ऊपर नीचे करके अच्छे से हमें भून लेना है। फ्रेंड्स अगर आप इस तरीके से चिकन बनाओगे या आप मेहमान आते अगर इस तरह से आप फटाफट बना सकते हो रेसिपी, तो इसके लिए मैं ये वीडियो लेकर आई हूँ। सिर्फ 40 मिनट में आपके फ्रेंड्स बहुत ही अच्छी थाली बन के रेडी हो जाएगी नॉनवेज की। तो चलिए फिर अच्छे से अब इसे भून लेते हैं चिकन को और गैस का फ्लेम मीडियम कर देते हैं। तो चलिए फिर से ढक्कन हटा के देख लेते हैं। वाव यमी। तो यहाँ पे चिकन अच्छे से जो हम देखिए भून रहे हैं और कलर भी चिकन का अच्छे से चेंज हो गया है। तो चलिए फिर अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट जो हमने घर में ही पीसा है। कभी भी नॉनवेज वगैरह बनाए या कुछ भी बनाए तो घर में ही अदरक लहसुन का पेस्ट पीसिए जिससे उसका स्वाद जो है बहुत अच्छा आता है। तो चलिए ये जो आधा कटोरी जो अदरक लहसुन का पेस्ट है हम इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे जो मसाला हमने पीसा था गरम मसाला वो भी इसके साथ ऐड कर देंगे जिससे हम सारे मसाले जो अच्छे से भुनेंगे जब तक भुनेंगे जब तक इसमें से ऑयल ना छूटे तब तक हमें अच्छे से भुनना है इसे। तो आप देख सकते हैं मसाला भी मैंने ऐड कर दिया है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे नमक। तो नमक स्वाद अनुसार हमें ऐड करना है यहाँ पे आप देख सकते हो। तो चलिए फिर यहाँ पे नमक भी हमने ऐड कर लिया। अब इसे अच्छे से मसाले को हम चिकन में भुनेंगे। और ये हमें ढक्कन लगा के भुनना है, गैस का फ्लेम जो है मीडियम ही रखना है। तो चलिए इसे अच्छे से भून लेते हैं जब तक इसमें ऑयल ना छूटे। तो चलिए फिर यहाँ पे आप देख सकते हो चिकन का जो मसाला अच्छे से ऑयल छोड़ दिया है और यहाँ पे मसाला अच्छे से पक चुका है। तो अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे पानी। तो जितना आपको ग्रेवी चाहिए आप उसी हिसाब से पानी रखिएगा और अच्छे से इसे मिक्स कर लीजिएगा। अब इसे हम ढक्कन लगा कर करीबन हमें इसे 4 से 5 सीटी में पकाना जिससे चिकन अच्छे से पक जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने गैस पे चढ़ा दिया है और इसे ढक्कन भी लगा दिया है। तो यहाँ पे अब सीटी बस हमें लगानी है 4 से 5 और यहाँ पे हमारा चिकन बन के रेडी हो जाएगा। तो ये 5वीं सीटी है तो यहाँ पे जो है फाइनली हो गई है। तो अब गैस का फ्लेम यहाँ पे मैं बंद कर दूंगी, अब इसे अच्छे से ठंडा होने दूंगी। तो चलिए फिर ढक्कन ठंडा हो चुके, गैस निकल चुकी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो वाव कितना अच्छा यमी सा ये चिकन बन के रेडी हो चुका है आप देख सकते हो। अब इसके अंदर फाइनली लास्ट में हम डालेंगे हरा धनिया और जिससे इसकी और खूबसूरत दिखेगी ग्रेवी ये। और अब इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे चिकन को और आप कलर देख सकते हो कितना प्यारा आ रहा है और एकदम खुशबू तो मैं आपको क्या बताऊँ बहुत ज़्यादा अच्छी आ रही है, एकदम टेस्टी। और आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा ऐसा चिकन और बहुत फटाफट बन जाएगा ये चिकन। तो चलिए फिर चिकन तो बन के रेडी हो गया है, राइस भी बन के रेडी हो गया, रोटी भी। तो चलिए फिर अब हम इसका प्लेट में सर्व करेंगे। तो यहाँ पे मैंने ले ली एक थाली और थाली के अंदर पहले मैं ऐड करूँगी इसके अंदर चावल
जो हमने ने बनाई थी। आप देख सकते हो कितनी खिली खिली चावल बन के रेडी हो गई है। अब ले लूँगी एक कटोरी और इसके अंदर हम चिकन डालेंगे। अगर इस तरीके से आप थाली बनाते हो फ्रेंड्स, तो आपके मेहमान भी खुश हो जाएंगे, आपको ज़्यादा घाई भी नहीं करनी पड़ेगी, कुछ नहीं, और आपके 40 मिनट में इतनी यम्मी डिश थाली रेडी हो जाएगी। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो, मेरी थाली अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया सैलेड, तो यहाँ पे मैंने प्याज दो है वो ऑनियन रख दिया है प्लेट में। तो यहाँ पे जो मैंने थाली में रोटी ऐड कर लिया है, तो ये हमारी खूबसूरत सी थाली जो है रेडी हो गई है 40 मिनट में। आई होप आप लोगों को मेरी ये 40 मिनट में बनने वाली थाली बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो चलिए फिर, थैंक यू सो मच।